वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी डॉट। जैसे कि हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, इस्लामियत और इंग्लिश का एसएसटी का पेपर 18 फरवरी का, अब हम आ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पे, पाकिस्तान अफेयर्स पे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स पोर्शन 21 क्वेश्चन, द सिंध मदरसा इस्लाम कराची वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन बाय आगा हसन अली अफंदी। सिंध मदरसा इस्लाम कब बना था? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए 1 जुलाई 1882, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1883, 1 अगस्त 1884, 1 सितंबर 1885। सो द करेक्ट आंसर इज 1 सितंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैयद अहमद खान लेड फाउंडेशन ऑफ पर्शियन स्कूल एट लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद और दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू द ग्वादर पोर्ट? ग्वादर पोर्ट के नियरेस्ट इनमें से क्या है? स्टेट ऑफ सिंगापुर, स्टेट ऑफ सिंगापुर जो है ये है सिंगापुर और स्टेट ऑफ मलाका और साउथ चाइना सी को मिलाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज गल्फ कंट्रीज में है। स्टेट ऑफ मलाका जो सेपरेट करता है इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड स्यूज कैनाल इज इन इजिप्ट। सो ग्वादर पोर्ट के जो नियरेस्ट हुआ, गल्फ कंट्रीज नियरेस्ट है ग्वादर पोर्ट के, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेलीविजन सेंटर्स ऑफ पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन वर एस्टेब्लिश इन कराची एंड रावलपिंडी इस्लामाबाद इन विच ईयर? 1955, 1959, 1963 या 1967? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1967। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1949। हु गेव द टाइटल ऑफ कायद-ए-आज़म टू मोहम्मद अली जिना? मोहन जिना को कादियम का टाइटल किसने दिया था? यह दिया था मौलाना मजरुद्दीन शहीद ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और यह दिया गया था इन 1938 एनुअल मीटिंग थी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, व्हेन डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल डिलीवर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो सर अल्लामा इकबाल ने कब एड्रेस किया था? अलाहाबाद में किया था ये, ऑन 29 दिसंबर 1938 अलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्व द शॉर्टेस्ट टेन्यूअर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? शॉर्टेस्ट टेन्यूअर किनका था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? फिरोज खान नून, नूरुल अमीन, मोहम्मद अली बोगराज, हुसैन शहीद सुहरावर्दी। जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है नूरुल अमीन, जो पाकिस्तान के पीएम थे फ्रॉम 7 to 20 December 1971। ये शॉर्टेस्ट टेन्यूअर था, और जो लॉन्गेस्ट टेन्यूअर था वो था यूसुफ रजा गिलानी का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन से वाबस्ता हैं, और उनका टेन्यूअर था 2008 से 2012 तक, जो लॉन्गेस्ट टेन्यूअर रहा है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये सवाल आ सकता है, आप इसको नोट कर लें। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन, ये इसका करेक्ट आंसर है 19 अप्रैल 2010। यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स का जो पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन वो कंप्लीट हुआ, अब हम आ रहे हैं सिविक पोर्शन पे। व्हाट डज द टर्म पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड? पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या है? द राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी, द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, द राइट टू प्ले स्पोर्ट, द राइट टू ड्राइव अ कार। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। इन एडिशन टू सिविक्स, विच सोशल साइंस एक्सप्लोर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी? एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक हिस्ट्री और ज्योग्राफी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इकोनॉमिक्स। वॉट डज सोवरेनिटी रिफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट? ये कल भी सवाल आ चुका था, द स्टेट ऑफ बींग फिजिकली फिट नो द सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर टू द गवर्नर। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। वॉट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन? टर्म क्या यूज होगा जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन होंगे? ऑप्शन आपके सामने, एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली। तो इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब है जैसे ट्रेडिशनल फैमिली रहती है आपस में, पेरेंट्स चिल्ड्रन और साथ में
अंकल, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये पूरी जो फैमिली साथ होती है उनको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ब्लेंडेड फैमिली जो है उसमें पेरेंट जो है चाइल्ड जो एडॉप्ट करते हैं उसको ब्लेंडेड फैमिली बोलते हैं। और सिंगल पेरेंट फैमिली में मतलब अगर कोई सिंगल पेरेंट हो मतलब, या मदर और फादर ना हो तो वो सिंगल पेरेंट फैमिली होगा। सो यहाँ पे जो सवाल है, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस? इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट का रोल क्या है? पार्टिसिपेट इन ग्लोबल डांस कॉम्पिटिशन, नो, एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड ट्रीटीज विद अदर नेशंस, ऑर्गेनाइजिंग द लोकल लोकल म्यूजिक फेस्टिवल, कंट्रीब्यूट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, establishing diplomatic relation and treaties with other nations. Next question, what is the primary goal of the welfare state? Welfare state का primary goal क्या है? To enforce strict laws, maximize individual wealth, to promote the well-being and social security of its citizens, to regulate the fashion industry. So the correct answer is option C, to promote the well-being and social security of its citizens. Question number 37, how does sovereignty relate to the ability to make and enforce laws? Sovereignty limits the power to make laws. Sovereignty grants authority to make and enforce laws. Laws are solely determined by sentential bodies and laws are dictated by the religious institution. So the correct answer is option B, sovereignty grants the authority to make and enforce laws. Question 38, what role do non-government organization NGOs play in shaping the concept of global citizenship? NGOs ka kya role hai in shaping of the global citizenship? So NGOs have no impact on global citizenship, ये नहीं होगा। NGOs advocate for exclusive national citizenship. NGOs promote global citizenship by fostering international cooperation and addressing the global issues. And NGOs focus solely on economic matters. So इसमें जो correct answer है आपका वो होगा option C, NGOs promote global citizenship by fostering international cooperation and addressing global issues. Question 39, how does the concept of culture relativism impact the universality of human rights? जिसमें सारे कल्चर को प्रमोट किया जाता है कल्चर रिलेटिविज्म में। सो इसमें ये होता है कि कोई भी कल्चर गलत नहीं है, जो भी अपने हिसाब से कल्चर जिस भी कंट्री या स्टेट और नेशन का है तो वो सब सही है। इम्पैक्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, सो ऑप्शन आपके सामने है, कल्चर रिलेटिविज्म प्रोमोट्स यूनिवर्सल राइट्स, सेम बात, कल्चर रिलेटिविज्म चैलेंजेस द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, ये नहीं होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म इज इररिलेवेंट टू द ह्यूमन राइट्स, ये भी नहीं। कल्चर रिलेटिविज्म रिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन राइट्स टू स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सो ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, कल्चर रिलेटिविज्म प्रोमोट्स यूनिवर्सल राइट्स ऑफ सिटीजंस। लास्ट क्वेश्चन सिविक्स का, इन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की व्हाट इज द रोल ऑफ द मोनार्क? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन उसमें पार्लियामेंट्री भी है, सो पार्लियामेंट्री भी है, टू होल्ड द एब्सोल्यूट पावर, ये नहीं होगा। टू सर्व एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू परफॉर्म सेरेमोनियल ड्यूटीज विद द, व्हाई रियल पॉलिटिकल पावर इज हेल्ड बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स बट इन्फोर्स लॉज थ्रू मिलिट्री अथॉरिटीज। सो एक गवर्नमेंट का जो सर्व हेड होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, जैसे यूके में हो रहा है, जैसे किंग और क्वीन को अथॉरिटी होती है वहां पे। सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। ये ऑप्शंस आपके सामने सारे क्लियर हैं, ये पेपर आज का हमने क्लियर कर दिया 18 फरवरी का SST का। सो कल का पेपर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच।